हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे विक्रांत जी लिमिटेड के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए, विक्रांत जी लिमिटेड का शेयर प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 25.75 का लो बना डाला, 27.10 के ओपन प्राइस के बाद 27.40 का हाई भी बनाया और 26.00 के ऊपर 4.06% लॉस के साथ सेटल हुआ। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस करेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग प्राइस ऑफ 26 के करेस्पॉन्डिंग 2,754 करोड़ रुपए है। विक्रांगी का 52-week लो 24.60 का एंड हाई है 49.95 का। दोस्तों, विक्रांगी के अंदर प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग रही मार्च क्वार्टर के एंड तक 42.6% रही। FIIs की अगर होल्डिंग देखिएगा तो 8.13% है, DIIs 6.36% और पब्लिक के पास 42.9% और अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के पास 0.01% की शेयर होल्डिंग बनी रही। फाइनेंशियल ईयर 2022 के फोर्थ क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में कंपनी को टोटल 208 करोड़ की सेल्स देखने को मिली। कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया 210 करोड़। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 30 करोड़ एक दिसंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर थ्री में 29 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर मार्च क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट है। दोस्तों, एक खबर ये आ रही है कि विक्रांगी ने एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया है और अगर ये खबर मटेरियलाइज होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगी, तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट में उछाल आएगा। क्यों उछाल आएगा? इसके पीछे सिंपल सी बात है, कंपनी की सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि विक्रांगी जो है एक स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कंपनी है जिसका नाम है डीकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर से सुनिए, टेक्नोलॉजी फर्म विक्रांगी लिमिटेड ने थर्सडे को अनाउंस किया है कि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है एक स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी है जिसका नाम है डीकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ताकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की कंप्लीट वैरायटी जो है मार्केट के अंदर उतार के बेचा जा सके। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं डीकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खुद नहीं बेच पा रहा था क्या? दोस्तों, डीकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया का जो आउटलेट है वो उतना ज़्यादा नेटवर्क में फैला नहीं है जितना कि विक्रांगी का है। विक्रांगी के अपने आउटलेट्स हैं, अपना एक इसका सुपर ऐप है जिसके माध्यम से ये अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड कंट्री के सेक्शन के अंदर अपने इनके इस प्रोडक्ट को बेच सकता है, वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो ये ताकत विक्रांगी की ही है, राइट? और इसी ताकत को इस्तेमाल करेगा डीकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो डेफिनेटली फ़ायदा यहाँ पे दोनों का है। तो डीकैथलॉन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है एंथुजियास्टिक बिगिनर्स के लिए और पैशनेट प्रोफेशनल के लिए एट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइसेस। और इस कोलैबोरेशन के माध्यम से विक्रांगी जो है इसके नेक्स्ट जन फिजिकल केंद्र और भारत इजी मोबाइल सुपर ऐप के माध्यम से जो है रिमोट एरिया के अंदर भी, अपने देश के रिमोट एरिया के अंदर भी इन प्रोडक्ट्स को और इक्विपमेंट्स को बेच सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। विक्रांगी केंद्र का जो आउटलेट है 84% टीयर 4 और 6 टाउन सिटीज़ के अंदर है। विक्रांगी जो है इस तरीके से इन सर्विसेज को इन कम्युनिटीज़ तक जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व सर्व्ड हैं उन तक पहुंचा सकता है। जो कस्टमर्स हैं यहाँ पे वो वेरियस डिस्काउंट ऑफर भी अवेलेबल उनको रहेगा, वो ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और सिग्निफिकेंट सेविंग कर सकते हैं उनके परचेज पे जो भी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट वो खरीदेंगे, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इस तरीके से कंपनी की सेल्स बढ़ना तय है, क्योंकि प्रॉफिट तभी आएगा जब सेल्स बढ़ेंगी और सेल्स बढ़ेगी क्योंकि नेक्स्ट जेन और उसके सुपर ऐप के माध्यम से इन प्रोडक्ट्स को उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाया जाएगा जहां तक इसकी पहुंच नहीं है डीकैथलॉन की। और ये पैन इंडिया बेसिस पे आपको पता होना चाहिए विक्रांगी का नेटवर्क है। तो दोस्तों, ये थी एक विक्रांगी को लेकर के अच्छी खबर, धमाकेदार खबर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अप्रिशिएट करने के लिए, एंड टेक केयर।